किले का आधुनिक रूप जो है वो यदुवंशी राजा विजयपाल ने दिया था। और गुप्त वंश की बात करें तो गुप्त काल के समुद्रगुप्त के समय उनका सामंत जो था उसने पुंडरीक यज्ञ करने के बाद में यहाँ पर विजयलाट भीमलाट की जो स्थापना करी थी, आज भी जो उसकी ऊंचाई है वो देखने लायक है। और उसके ऊपर उस समय की संवत जो है वो गुप्त संवत के अंदर करीबन 370-371 ईस्वी जो है वो आज भी लिखी हुई है उसके ऊपर। दोस्तों यह वही प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि यही बाणासुर ने और एक कड़ी तपस्या करके भगवान शिव को जो है वो प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उसको अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर दिया था। कहते हैं कि यहीं से शुरू होती है इस नगर की कहानी और बाणासुर के तांडव की कहानी। और फिर बाणासुर की जो पुत्री थी उसकी और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र के अनिरुद्ध की प्रेम कहानी जो है वो यहाँ शुरू होती है। कहते हैं कि यहीं बाणासुर ने बैठकर तपस्या करी थी और ये इसका बरामदा जो है वो चारों का बना हुआ है, आप देख पाएंगे। ये सल्तनत कालीन मीनार जो है वो बनी हुई है। कहते हैं कि जब इसको बनाया गया था तो यह करीबन 7 मंजिला थी, जो अब इसमें वर्तमान में यह करीबन 4 मंजिला ही शेष है। इसकी ऊपर की 3 मंजिल जो है वो नीचे गिर गई हैं। तो आइए अपने इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ किले का जो व्यू पॉइंट है ऊपर से वो कैसा है। आइए मेरे साथ। इसकी चौड़ाई करीबन 3 फीट है और अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं वो 2 या 2.5 फीट के अंदर बनी हुई हैं। यानी जब आप ऊपर जाएंगे तो आपकी फिटनेस का पूरा टेस्ट होने वाला है। तो आइए अपने ऊपर चलते हैं। अंदर काफ़ी घना अंधेरा भी है तो आप अकेले जब भी जाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। इसकी सीढ़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल घुमावदार जो है ऊपर की तरफ जाती हैं और जगह जगह पे ऑक्सीजन के लिए यहाँ छोटे छोटे जो रोशनदान हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि ये काफ़ी घुटनदार भी हो सकता है। यहाँ से आप देखेंगे कि हल्का प्रकाश आने के लिए और ऑक्सीजन के लिए यहाँ ऐसे द्वार जो है वो बनाए गए हैं। ये ऊपर का जो पॉइंट है वो आ गया है। काफ़ी ये खतरनाक है और पूरी ऊंचाई के अंदर बनी हुई है और इसके ऊपर का जो व्यू है वो देख के आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ से आपको पूरा फोर्ट जो है वो नज़र आएगा। उस तरफ जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ वो तोप रखी हुई है और ये मुख्य महल का प्राचीर बना हुआ है। कहते हैं कि जब बाणासुर की बेटी उषा ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को उठा लिया था तो उसको इसी के अंदर कैद किया गया था। और यहाँ इसके ये चारों ओर की प्राचीर बनी हुई है। ये जो है इसके अंदर अपने यहाँ प्रवेश करे थे, ये पहला महल बना हुआ है। इसके बाद में अंदर ये प्रवेश करने का स्थान है और उधर जो है वो सुरक्षा चौकसी की दृष्टि बनी हुई है। और पूरी आपको मैं दीवार दिखाता हूँ, यहाँ से शुरू होती है नीचे से और उस पहाड़ी के ऊपर चारों ओर आपको यहाँ जो है वो दीवार नज़र आएगी। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये लगभग कितने किलोमीटर की दूरी के ऊपर बनी हुई है। और यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर समाप्त नहीं होती है, जबकि ये जो है वो इस पहाड़ी से भी नीचे आती है और नीचे आने के बाद में इस दुर्ग के चारों ओर घूम के वापस इधर आती है और ये चारों ओर बनी हुई है। यहाँ आप ये जो देख रहे हैं ये बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि बेसमेंट के अंदर जो है वो एक महल जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा जो है वो बना हुआ है। ये बाणासुर यहाँ पूजा करा कर था है। वो शिव जी ने तो वरदान दिया था अपना बेटा मान रखा था शिव जी ने वो। अच्छा, बाणासुर को शक्ति थी उसमें भाई, भक्ति कर रखी थी उन्होंने बढ़िया वाली। अच्छा, तो लड़की थी इसकी, एक उषा था उसका नाम।
उषा के कारण इसे मरना पड़ गया था युद्ध में। मरा नहीं था, जीता है इधर, इसके वो भुजा काट दी थी, तो हजार भुजाएं थी इसके, बाणासुर की मारा दो की है इसका, हजार थी। अच्छा, तो वह काट दी गई थी इसकी चक्कर ते। अच्छा, सुदर्शन चक्कर से भगवान श्री कृष्ण ने भुजाएं काटी उसकी। हाँ, उसका नाती जो था ना, पोता बोला जिसे अनिरुद्ध, हाँ वो इसने संगड़ों में जुड़ लिया था। वो पूरा महल है वहाँ देखा होगा तो पे। हाँ पूरा, हाँ हाँ, नेट पे भी दिखा हुआ है, फोन पे भी उसने तो। अच्छा, आ तो बांध करा क्या, किरसन जी का आया था छोड़ दे, शादी कर दे या। वो मानने नहीं था, तो उसका जो संकेत आया, रानी तो पहला मर गई, मुन ठोक कर उसमें अपने महल में। राजा फिर बाद में युद्ध में हो गया, युद्ध होया उधर जा कपरे। अच्छा, हाँ परा गेट है एक, उस पर युद्ध होया। हाँ, फिर वो शादी हुई थी, उस आगे शादी के घोड़े गाड़े भी उतर रहे इस समय भीतर। अच्छा, या के अंदर, हाँ वो घोड़े बने हुए चित्र, हाँ, बन रहे हैं वो शादी में चित्र उतरे थे इसके अंदर महल में, जो घोड़े के चित्र बन रहे हैं वो उनकी शादी के चित्र बने हुए अनिरुद्ध और उषा की। हाँ क्या बात है, तो ये तो बहुत पुराने हो गए, तो 2000 वर्ष पुराने हो गए। हाँ, लेकिन वो फिर बतावा कोई बारात थी बहुत बड़ी, वो अभी यहाँ कोई सुरंग थी उसमें पूरी की पूरी खप गई थी, आज लग भी उनको पता नहीं चला, बाहर नहीं निकल पाए, गडरिया की बकरी बैठ गई, वो गडरिया भी बैठ गया 3-4 महीने लोग खिली की मारी, उन वो भी मर गया नीचे ही, इसके नीचे मंदिर है कोई और। अच्छा, यहाँ किले के नीचे है, हाँ भोले का मंदिर है वो, सतपेरा आया इस सतपेरे के नीचे मशीन मंदिर बता रही, लेकिन उसका रानी भी पता कहाँ है। अच्छा, तो उसका आज तक पता ही नहीं चला, पता नहीं चला, बहुत कोशिश करी, तब भी चले यहाँ से बाबा जी की, बाबा जी ने तब कराया यहाँ से, उन्हें घूमती दास महाराज ने, उसने पता चला, उसने सुरंग सारंग भी बताई यहाँ, तो फिर वो बंद बुंद कर दी थी, ब्याने में लिखट रही वहाँ से उषा मंदिर पे, उषा वहाँ पूजा करने जाया करी थी ना। ये पीछे आप पूरा दुर्ग जो है वो देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ आपको दूर दूर तक बिल्कुल शांति अनुभव होगी। ये जो पहाड़ है वो करीबन 30-40 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, और दुर्ग का जो निर्माण है वो करीबन 25-30 वर्ग किलोमीटर के अंदर किया गया है। यह मीनार अब करीबन 4 मंजिला है, जब इसको बनाया गया था तो ये 7 मंजिला थी, और सल्तनतकालीन शासक इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनवाया गया था। ऐसी मीनार आपने कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, और दिल्ली के अंदर जो है वो बनी हुई है। और ऐसी ही एक मीनार या विजय स्तंभ कहें, जो कि कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है, जिसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जो कि महाराणा कुंभ के द्वारा बनवाया गया था। आप मेरे पीछे देखेंगे कि इस तरफ जो है वो विजय स्तंभ यहाँ पीछे की ओर लगा हुआ है, और ये जो स्थान आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वही उस समय का स्थान है जहाँ बयाना का जो युद्ध जो है वो महाराणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कहते हैं कि बाबर की सेना जो है वो थोड़े से समय के अंदर ही यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। मीनार के ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे, ये आने का रास्ता है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं बिल्कुल संकड़ी बनी हुई है, और चारों ओर इसके सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं है। आप यहाँ आते हैं तो इस किले के अंदर आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं देना पड़ेगा, यह बिल्कुल फ्री है, यहाँ आपको कोई भी नहीं मिलेगा, और आप अकेले आते हैं तो यहाँ सावधानी से आएँ, क्योंकि जंगली जानवरों का भी यहाँ खतरा रहता है, क्योंकि चारों ओर का जो ये इलाका है वो जंगल है, और ये मावी नामक पहाड़ी के ऊपर किला जो है वो बना हुआ है। राजा विजयपाल के मुख्य महल और रानी के मुख्य महल के अलावा भी यहाँ कुछ मुगलकालीन और कुछ गुप्तकालीन इमारतें भी बनी हुई हैं, जो कि YouTube के ऊपर आपको अन्य वीडियो के अंदर नहीं देखने को मिलेंगी, तो अपने उनमें भी चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह की बनी हुई है, उनके ऊपर मुगल शैली का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि इस दुर्ग का परिसर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है, तो इसके अंदर देखने लायक इतने ज़्यादा पॉइंट बने हुए हैं कि आप एक दिन में उनको पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर भी अपने जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं उनको देखते हैं। तो आइए मेरे साथ गुप्त काल और मुगल काल का बना हुआ एक इस तरफ महल है, उसको अपने देखते हैं।
मुख्य प्रवेश द्वार से ऊपर आने के बाद में भी आप दुर्ग के ऊपर करीबन 2 किलोमीटर जब अंदर की ओर चलकर आएंगे तब यहाँ स्थित है यदुवंशी राजा का मुख्य महल जो है उसका परिसर यहाँ बना हुआ है। दोस्तों आप भी आज भी आप देख पाएंगे कि इसका मुख्य महल का प्रवेश जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नजर आ रहा है। तो इसका प्रवेश द्वार जो है वो आज भी कितना आकर्षक और कितना खूबसूरत बना हुआ है जो कि देखते ही बनता है। इसके अंदर की कलाकारी आप देख पाएंगे दोस्तों, अंदर की ओर लाल पत्थरों के अंदर कांच लगा हुआ है और मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ बिल्कुल अलग शांति नज़र आएगी क्योंकि यहाँ पे आपको चिड़िया भी नज़र नहीं आएगी। ये महल का मुख्य अहाता जो है वो बना हुआ है और काफ़ी लंबा चौड़ा है ये भी, ये पहाड़ी के ऊपर एक कोने के अंदर बना हुआ है। अंदर की ओर अब आप जाएंगे तो हालांकि अब ये काफ़ी खंडित होता जा रहा है, आपको फिर भी इसकी प्राचीर जो है वो हजारों साल पहले की गवाही है जो देती हुई नजर आएगी आज भी। ये पूरा महल का परिसर जो है वो आप देख पाएंगे कितना क्षत विक्षत जो अब आपको नजर आएगा। ये मुख्य प्रवेश द्वार है जिसके ऊपर 4 मुगल कालीन गुम्बद जो है वो आपको दिखाई देंगे, तो इसके ऊपर मुगल कला का प्रभाव जो है वो आपको विशिष्ट रूप से नजर आ जाएगा। ये चारों ओर किले की आपको प्राचीर जो है वो दिखाई देगी, उस तरफ आपको मीनार दिखाई देगी। यहाँ उस समय ये जो इसका कक्ष बना हुआ है यहाँ उसको रखा जाता था और आप यहाँ देख पाएंगे कि ये उस समय इसके अंदर इसको बांध के इसको पैक किया जाता था। और हालांकि अब इसके नीचे का भाग जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, ये तोप का गोले दागने वाला जो पाइप जो है वो बना हुआ है और ये महल के बिल्कुल ऊपरी भाग के ऊपर है। आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, चारों ओर इसकी प्राचीर जो है वो आपको नीचे नजर आएगी, यहाँ नीचे की तरफ बनी हुई है और उसके बाद में ऊपर की ओर आपको सामने ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको चारों ओर इसकी प्राचीर जो है वो नजर आएगी। और आप इसको अंदाज़ा लगाकर बिल्कुल अनुमान लगा सकते हो कि इस किले की प्राचीर जो है वो कितनी लंबाई चौड़ाई के अंदर बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि यह किला चित्तौड़गढ़ के किले से पहले जो है वो सबसे प्राचीन किला और सबसे बड़ा किला था। आपने जौहर के बारे में सुना होगा, राजस्थान जो है वो जौहर की नगरी कहलाता है। यहाँ किलों के अंदर राजपूत स्त्रियों ने उस समय मुगलों के आक्रमण के समय यहाँ बहुत जौहर जो है वो हुए हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़गढ़ किले के अंदर पद्मिनी ने 1301 ईस्वी में जो है वो जौहर किया था, जिसकी कहानी जो है वो सभी ने सुनी है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के किले से करीबन 250 साल पहले सबसे पहला जौहर जो है वो इसी बयाना के किले के ऊपर हुआ था। कहते हैं कि जब मुगलों का आक्रमण हुआ था तो यहाँ विजयपाल राजा यदुवंशी राजा जो थे उनकी पत्नी ने यहाँ जौहर किया था। ये जौहर राजस्थान का पहला जौहर कहलाता है, लेकिन इसे किताबों में मान्यता नहीं दी गई है, अतः यह पढ़ने को सामान्यतः नहीं मिलता है। दोस्तों बिल्कुल महल के ऊपर इस तोप को यूं तिरछा खड़ा रखने के लिए इतना नीचे की तरफ ये गड्ढा जो है वो बनाया गया था। आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ तक आ रहा है और ये पत्थरों से नीचे भरा हुआ है, तो करीबन मेरी हाइट के बराबर आप ऐसा मान लो 5.5 फीट के करीबन इसको नीचे गाड़ा जाता था और फिर इसको तिरछा जो है वो खड़ा किया जाता।
और यहाँ एक जो सुराग है वो ये अंदर की ओर और बना हुआ है, यहाँ इसको शायद फिट किया जाता होगा। काफी वजन है ये, इसको उठा के देखता हूँ मैं, हिल रही है कि नहीं। जी हाँ, समझ गए। अब आपको इस दुर्ग का सबसे टॉप व्यू पॉइंट जो है, जिससे ये पूरा दुर्ग दिखाई देता है, वो दिखाते हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ। दीवार के ऊपर घूमना चाहते हैं तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए और आपका शरीर जो है वो काम करना चाहिए। आप पूरी दीवार के ऊपर भी घूम सकते हैं क्योंकि घूमने के लिए स्थान दिया गया है और जगह जगह नीचे या ऊपर आने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से आप इसको घूम सकते हैं क्योंकि दीवार जो है वो चारों ओर की बिल्कुल सुरक्षित है, उसका एक पत्थर भी इधर उधर नहीं हुआ। हालांकि ये नीचे की जो दीवार है ये जरूर खंडित है। यहाँ आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा फील होगा कि उस समय यहाँ युद्ध वगैरह हुए होंगे या मुगल काल में उन्होंने इसको क्षतिग्रस्त किया है। दोस्तों बाणासुर की यह नगरी जो है वो 2000 वर्ष पुरानी है और करीबन 25 से 30 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। अतः एक वीडियो के अंदर आप इसको पूरा नहीं देख पाएंगे और पूरे किले का एक एक पॉइंट जो है वो हमने इस वीडियो के अंदर दिखाया है आपको। तो आप पूरा वीडियो जो है वो ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।